हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। एक और नई रेसिपी के साथ मैं बनाने जा रही हूँ कीमा कढ़ाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। रख दिया है और चूल्हा भी मैंने जला दिया। इसमें कुकिंग ऑयल डालती हूँ पहले, फिर मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ। अनियन एक डाल दिया मैंने, बड़ा वाला मेरे पास अनियन, आप दो छोटे भी डाल सकते हैं। कीमा मैंने पीस लिया है, घर पे ही पीसती हूँ। आप मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कीमा पिसा हुआ ऐसे नहीं मिलता, और ये खुद पिसा है, साफ़ सुथरा होता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो ये इसमें मसाले जाएंगे, ये देखिए जिंजर मैंने मोटा मोटा इसको कूट लिया है, और ये सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, थोड़ी सी ये ग्रीन चिली मैंने जो इसको पीस के रखी है ये है, और ज़ीरा कुटा हुआ है, और धनिया कुटा हुआ है, और थोड़ी ये कुटी मिर्चें हैं, सब कुटी कुटी डालनी है, और ये हल्दी है बस। और ये रहा योगर्ट, और टमाटर तो आपको पता है टमाटर तो डर से ही डरते हैं, ये पूरा खेल डालूँगी मैं ये वाला, और टमाटर इसमें अच्छी क्वांटिटी में डलते हैं, और ये सिर्फ इसकी गार्निश के लिए। धनिया देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, और इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है, क्रिस्टल से आगे हैं। और इसमें मैं डाल देती हूँ जिंजर, इसमें साथ ही मैं डाल रही हूँ कीमा डाल के, और बस इसको अच्छे से करना है, और इसी के पानी में इसको पकाना है अभी मुझे, और कुछ नहीं डालूँगी फिलहाल। तो आलू और चिकन मेरे हो गए हैं रेडी, और इस इनको मैं मैश करूंगी और इसमें डालूंगी। और दूसरा चिकन को क्या करना है, चिकन को मैं इसको जगह बना लूँ थोड़ी सी, चिकन की ये सब की स्किन ऑफ करनी है, स्किन ऑफ करके ये इसकी जो बोन है इसको साइड पे रखूंगी मैं, किसी प्लेट में रखती जाती हूँ ताकि इजी हो जाएगा मेरे लिए। देखिए पानी हो गया थोड़ा, अच्छा टमाटर इसमें पूरा के नहीं डालूंगी क्योंकि कढ़ाई में तो टमाटर कढ़ाई में और चिकन अचार में तो टमाटर ज़्यादा डलते हैं, और इसी का फ्लेवर होता है। बस इसका पानी इसी में पकाना है, और इसी में कीवे को गलाना है। अच्छा इसमें साथ ही इसके डाल देती हूँ मैं ज़ीरा कुटा हुआ धनिया, ये देखो टमाटर हो गए हैं ये अच्छा, और बाकी स्पाइसेस इसमें डालती हूँ। वैसे कढ़ाई में योगर्ट डलती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें डाली है,
थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा इसमें। थोड़ी मोटी मिर्च है, मिर्चें डाली थी मैंने मोटी वाली, मैं थोड़ा सा डालती हूँ जिंजर। चलिए इसको करते हैं डिश ऑफ। कीमा कढ़ाई हो गई है रेडी, ज़बरदस्त मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ फिर शामिल होंगी, आपके साथ हाज़िर होंगी। और बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।